दोस्तों नमस्कार, जैतारण न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान, जैतारण नगर पालिका परिक्षेत्र के वार्ड की विभिन्न समस्याओं को लेकर, 17 एवं 16 की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज वार्ड वासियों ने जैतारण निमाज प्रमुख मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया और नगरपालिका के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि जैतारण नगरपालिका में वार्ड में भी कांग्रेस के पार्षद ही इसी वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि इसी वार्ड के पार्षद होने के बावजूद भी इस वार्ड की समस्या का नगरपालिका प्रशासन एवं बोर्ड द्वारा समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। जैसा कि बताया गया है कि इस वार्ड में विभिन्न सड़कों एवं नालियों को गंदा पानी मुख्य मार्गों पर जमा होने के कारण मोहल्लेवासियों को भारी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि इन लोगों द्वारा बताया गया है कि पिछले 3 सालों से लगातार मोहल्लेवासियों द्वारा इस वार्ड में सड़कें इत्यादि एवं नालियाँ बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन इनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बार बार शिकायतें करने के बावजूद भी इन, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये रोड पे जैतारण निमाज प्रमुख सड़क मार्ग को इन महिलाओं लोगों द्वारा जाम किया गया और ये जाम इसी रोज के कारण ही किया गया, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि जैतारण नगर पालिका प्रशासन द्वारा इनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। और यहाँ ये उल्लेखनीय बात है कि जैतारण शहर माननीय जलदाय मंत्री श्री सुरेंद्र जी गोयल का गृह शहर है, लेकिन इस शहर में इन शहरवासियों की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और यहाँ ये उल्लेखनीय बात है कि जैतारण नगर में पिछले 2 सालों से सीवरेज का कार्य भी चल रहा है, लेकिन सीवरेज का कार्य भी मंदर गति से चलने के कारण जगह जगह इस सीवरेज का कार्य भी ये अधूरा है। और जैसा कि इसे उन्होंने बताया कि इस वार्ड में सीवरेज का कार्य 16 एवं 17 वार्ड संख्या के लोगों ने बताया कि इस वार्ड में इनकी सीवरेज का कार्य भी पूरा नहीं हो। और इस संबंध में मेरे साथ खड़े हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मेरे साथ खड़े हैं भाई पार्षद मनीष जी सोलंकी, जो इस वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और आप कांग्रेस के पार्षद हैं। श्री मनीष जी, आपका स्वागत है। आपके वार्ड में क्या समस्या है, आज ये क्या समस्या जिसके कारण आप लोगों को यहाँ सड़क मार्ग को जाम करना पड़ा? सड़क जाम करना हम नहीं चाहते हैं, लेकिन जिस परिस्थिति जो इस समय वार्ड के अंदर चल रही है, एक भी आदमी वहाँ से पानी के अंदर होकर निकलना पड़ता है, छोटे बच्चे पानी के अंदर गिरते हैं, जो ये आम परेशानी है। और मैं आपकी ये बात काटना चाहता हूँ, जो आप बोल रहे हो 3 साल, ये 3 साल ये समस्या आने वाले 20 सालों से ये समस्या चल रही है, पिछले लंबे समय से मान लीजिए लंबे समय से, लेकिन चूंकि बोर्ड कांग्रेस का बोर्ड आपके और आप कांग्रेस के पार्षद हो। मैं ना यहाँ राजनीति और पॉलिटिक्स की कोई बात करना नहीं चाहता, यहाँ कांग्रेस का अगर बोर्ड है तो नेताजी भी तो बीजेपी के हैं। मैं तो ये नहीं कहता कि कौन बेटा कौन नहीं, काम होना चाहिए, पब्लिक परेशान है, मैं पब्लिक के साथ हूँ, सीधी बात। और अगर ये परेशानी हम मान लेते हैं कि आज तारीख हो गई है 4, अगर ये परेशानी 10 तारीख तक हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो आम्र अनशन के लिए मैं ये सरकार को खुली और ये चेतावनी देता हूँ कि 10 तारीख से 11 तारीख को जब मैं नगरपालिका के गेट के सामने आम्र अनशन के लिए बैठूंगा, अगर ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हुआ तो। धन्यवाद, ये थे मनीष जी सोलंकी। और मेरे साथ इस समय इसी वार्ड के एक वरियोवध भाषा है, जो आपको भाषा, आपके वार्ड में क्या समस्या आप बताओ। और समझे ऐसा, मैं तो कायदे रखा हेटो पड़ गया। आपने नगर पालिका को कभी अवगत नहीं कराया? ये सब है, ये सर ऐसा वहाँ कौन उठा? आपको क्या कहा, आपको क्या जवाब मिला नगर पालिका से? ठीक कौन मिल गया, मुझे कौन खाली आश्वासन दिया कि कर देंगे 2 साल हो गया, ये बूढ़े बुजुर्ग जो भी देखो, ये जैसे कि आप देख सकते हैं इस वार्ड संख्या के लोगों ने ये ज्ञापन भी दिया गया और इनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, और सुनवाई नहीं होने के कारण आप देख सकते हैं इस समय इस जैतारण निमाज प्रमुख सड़क मार्ग पर ये महिला एवं पुरुषों द्वारा जाम लगाकर अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। ये बहुत सारी महिलाएं बैठी है और सड़क पर ये पूरा जाम लगा, पिछले 2 घंटों से इसी मार्ग पर ये जाम लगाया गया। और मैं इस वार्ड की वो समस्या की तस्वीरें भी आपको आने वाले पल में मैं आपको अवगत करूंगा, आप देख सकते हैं वो तस्वीरें। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इस समय उसी समस्याग्रस्त वार्ड में हूँ जहाँ इस वार्ड के ये हालात हो रहे हैं, और ये जैतारण शहर की स्थिति है, और ये वार्ड संख्या 17 है जहाँ इस वार्ड में
पिछले कई सालों से ऐसी स्थिति बनी है, जैसा कि वार्डवासी अभी कुछ समय पहले मुझे बताया कि हमने बार बार नगरपालिका प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद भी इस वार्ड के आज ये हालात हो रहे हैं। हालांकि बरसात एक सप्ताह पहले इस मोहल्ले में बरसात हुई थी, लेकिन यहाँ तो हर दम बरसात जैसे ही हालात बने रहे। आप खुद इसे इन तस्वीरों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। और ये जैतारण शहर जो माननीय जलदाय मंत्री का शहर है, और बड़े दुर्भाग्य की बात है इस शहर के ये हालात बने और इस मोहल्ले के ये हालात बने, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। जैसा मोहल्ले वासियों ने मुझे बताया कि हमने बार बार नगरपालिका प्रशासन को शिकायतें करने के बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हालांकि ये एक ही है, मैं आगे इस अत्यंत दुर्गंधपूर्ण मार्ग के कारण मैं इस वार्ड में पहुंच नहीं पा रहा। इससे भी बदतर स्थिति इस मोहल्ले में है, जहां यह स्थिति हर एक गली में लगभग 200 घरों की यह आबादी होगी, और इस आबादी के ये हालात बने। और यह शहर में एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा, ये शहर राज्य सरकार के जलदाय मंत्री श्री सुरेंद्र जी गोयल का गृह क्षेत्र है, जहाँ इस शहर की इस वार्ड के ये हालात है। और यहाँ ये उल्लेखनीय बात है कि ये जैतारण नगर पालिका का 17 नंबर वार्ड है। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपने देखा जैतारण नगर पालिका के वार्ड संख्या 17 की समस्या जो अभी आपने देखा था, इस समस्याओं को लेकर वार्ड संख्या के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। और जैसा कि भाई पार्षद मनीष सोलंकी ने बताया कि यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आगामी 10 जुलाई को नगरपालिका कार्यालय के सामने उनके वार्डवासियों द्वारा उनकी अगुवाई में उग्र आंदोलन यानी आमरण अनशन किया जाएगा। मैं आईबी खान जैतारण न्यूज़ के लिए कैमरामैन कैलाश पन्नू के साथ जैतारण से। आप हमारा जैतारण न्यूज़ यूट्यूब चैनल जरूर देखें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।